तथागत भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अवंती प्रदेश के बौद्ध भिक्षु का एक संघ भगवान बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए कुशीनगर गया था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही भगवान बुद्ध के भौतिक अवशेषों का बंटवारा हो चुका था। कुशीनगर में तथागत भगवान गौतम बुद्ध का चीवर और आसन ही शेष बचे थे। अतः निर्णय लिया गया कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध की चीवर और आसन भी अवंती प्रदेश को दे दिए जाए, जिस पर उज्जैन में एक महास्तूप का निर्माण हुआ और यह स्तूप का स्थान था वैश्य टेकरी कानीपुरा गांव उज्जैन यानी आज के मध्य प्रदेश में। इस महास्तूप की ऊंचाई है 100 फीट और व्यास है 350 फीट। वैश्य टेकरी महास्तूप के अवशेष आज भी मौजूद है। यह महास्तूप उज्जैन शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर उज्जैन तराना रोड पर स्थित है। अशोक सम्राट की दोनों संतान संगमित्रा और महेंद्र बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका गए थे। कहा जाता है कि श्रीलंका में ही उनका परिनिर्वाण हुआ और वहां से उनके अवशेषों को लाकर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चीवर और आसनदी पर बने महास्तूप के बगल में ही संगमित्रा और महेंद्र के अवशेषों पर दो और स्तूपों का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित वैश्य टेकरी बौद्ध महास्तूप उज्जैन में हर साल भारी संख्या में देश विदेश के बौद्ध भिक्षु श्रद्धालु नमन करने के लिए आते हैं। उज्जैन तराना रोड पर कानीपुरा में स्थित वैश्य टेकरी बौद्ध महास्तूप का उत्खनन 1938-39 में तत्कालीन ग्वालियर स्टेट के पुरातत्व विभाग के अधीक्षक मोब गर्दे ने किया था। वैश्य टेकरी संरक्षित क्षेत्र है। इसे वैश्य टेकरी नाम दिए जाने को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, किंतु विद्वान मानते हैं कि सम्राट अशोक की रानी देवी वैश्य समाज से थी और उन्होंने ही संभवतः इसका विस्तार कराया, इसलिए इसे यह नाम मिल गया। बौद्ध स्तूप होने का सबसे पहले प्रमाण ग्वालियर स्टेट के पुरातत्व विभाग के अधीक्षक मो ब गर्दे के उत्खनन में मिला था, जिसमें यह भी कहा गया था कि यह स्तूप अन्य स्तूपों से अलग है और संभवतः सबसे बड़ा भी है। इस तरह के दो अन्य स्तूप भी यहाँ खोजे गए थे। इसके बाद बौद्ध अनुयायियों के लिए यह टीले आस्था का केंद्र बन गए। बौद्ध महासभा ने हर साल फरवरी के पहले रविवार को यहाँ बौद्ध महोत्सव शुरू किया। इसके साथ ही स्तूप को प्रकट करने की मांग भी उठने लगी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस विषय में कमेंट पर जरूर लिखें। साथ ही इस विषय में आपके पास अन्य जानकारी हो तो हमारे साथ उसे जरूर शेयर करें।